रहे हैं पहले तोरण की पट्टी बनाएंगे तोरण की पट्टी एकदम सिंपल बनाएंगे जो बहने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हम कोई से भी वीडियो डालेंगे आप तक नो, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी हम ये दो कलर से बनाएंगे ये मरहून है मरहून कलर ये वाइट कलर है कुरूसिया का नंबर है वन पॉइंट चलिए बनाना पहले पट्टी वाइट कलर से शुरू करते हैं एक अठारह चैन हम इसमें ले लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह दो बार प्रेस कर लेंगे आप लोग इससे कम चौड़ी बनाना चाहते हो तो चौदह या सोलह चैन ले लेना डबल क्रूसिया करके हर फंदे पे हम बुनाई कर लेंगे हम इसलिए सिंपल बना रहे हैं हाफ़ गेट का तोरण बनाएंगे अगर हम ज़्यादा डिज़ाइन इसमें हम कर देंगे तो हमारी ये पट्टी कमज़ोर हो जाती है और नीचे लपने लगती है इसलिए जब भी आप लोग तोरण की पट्टी बनाएं तो ये देखना फंदे ज़्यादातर उसमें बुनाई हुए रहें नहीं तो पट्टियाँ लपने लगती हैं और अच्छे से गेट में फिट नहीं होता है ऐसे ही हम पूरा लाइन हम बना लेंगे अभी बना के दिखाते हैं ये एक लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया है अब इसे पलट लेंगे फिर तीन चैन ले लेंगे दो तीन अब इस पे हम डिजाइन इसमें हम नहीं डालेंगे एकदम प्लेन पट्टी बनाएंगे बीच में हम छोटी छोटी टिकरी चार पांच जगह लगाएंगे जिससे हमारा तोरण भी अच्छा लगे पट तोरण की पट्टी अच्छी लगे और तोरण भी हम उसी डिजाइन से बनाएंगे कि देखने में अच्छा लगेगा मरून भी आएगा व्हाइट भी आएगा अब हम टिकरी इसमें छोटी छोटी बनाएंगे वो भी हम मरहून कलर से बनाएंगे ये रेड मरहून है बहुत अच्छा लगता है देखिए हमने ये बना लिया आप लोगों को जितना बड़ा गेट है उतना लंबाई में बना लेना अभी हम बना के दिखाते हैं आपको ये इतना दूर हमने बना लिया है यहाँ पे हम पट्टी इस डिजाइन में बनाए हैं देखिए पहले बना लिए थे हम इसका बॉर्डर बनाना अभी इसी में हम आपको बता रहे हैं जिसे आप ऐसे ही पूरा लाइन में जितना बड़ा आप लोगों का गेट हो उतना बड़ा बना लेना ये तो हम छत्तीस इंच का अपना बनाए हुए हैं हमारा गेट उतना बड़ा है अब इसमें हम बॉर्डर बनाना आपको बता रहे हैं आप अपने गेट के हिसाब से पट्टी बनाने के बाद ऐसे ही बौर, इसका बॉर्डर बना लेना देखिए हम यहाँ कोने से स्टार्ट करेंगे फिर एक दो तीन चैन लिए डबल क्रोशिया करके हम इसी में एक एक दो दो बार हमने बना लिया फिर एक चैन ले लेंगे फिर डबल क्रोशिया करेंगे ये जो फंदे कितने बुनाई किए हैं इसको स्किप करके हम दूसरे वाले में फिर यहाँ से बनाना शुरू कर देंगे हम इसमें तीन ही डबल क्रोशिया से तीन फंदे बना रहे हैं बुनाई कर रहे हैं तीन फंदे का फ्लावर हमारा हो जा रहा है एक चैन लिए अब मोड़ना है हमें एक चैन और ले लेंगे आप लोग लास्ट में जैसे मोड़ना होगा तो वहाँ पे ऐसे ही ले लेना चैन तीन तीन फंदे का हम बना रहे हैं फ्लावर फिर एक चैन लिए हैं देखिए ऐसे ही आप लोग अपने गेट के हिसाब से सीधी पूरा बार्डर बना लेना फिर उसके बाद ए वापसी जैसे बार्डर यहाँ पे कोने पे जब आना जब टर्न होना तो यहाँ पे ऐसे बनाना फिर ए, इसमें हम बनाए हैं एक दो तीन फंदा हम ये तीसरे फंदे में फिर इसको हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे फिर एक चैन लेंगे फिर एक दो तीन देखिए ऐसे करके पूरे राउंड में आप लोग बना लेना अब बन के कम्प्लीट हो जाएगा ये हमने ऐसे ही बनाया है एक ये एक साइड हमने हाफ गेट का तो ये तोरण हमने बना लिया था हम तोरण का कलेक्शन जब डाले हुए थे तो उसमें एक मरून कलर का हमने बहुत पहले बनाया था उसको भी हम उस कलेक्शन में दिखाए हुए थे तो बहुत बहनें बोली थी कि हमें एकदम सेम ऐसे ही बना के यही डिजाइन हमें मैम बताइए दीदी बताइए इसलिए मैंने पिंक कलर का बनाया था तो मैं उसका लिंक देती थी तो सब लोग बोलते थे नहीं वो सेम नहीं लग रहा है इसीलिए हम ये मरून अब वाइट में बना के ये आप लोगों को फिर इसकी वीडियो डाल के दिखा रहे हैं ये है पूरा लुक इसका यहाँ तक इतना लंबाई में आ रहा है ये एक तरफ तो हमने बना लिया है अब कितने यहाँ पे खाने थे जो ये लूप बने हुए हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एक उन्नीस बीस इक्कीस इक्कीस यहाँ पे खाने थे हमने उसमें इक्कीस यहाँ पे फ्लावर बनाना है शुरू किया था और फिर इधर अब देखिए आधा पे हमारे तुरंत जो के ए है हमने बार्डर बनाया था वही ये खाने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस बीस इक्कीस इक्कीस हमारे इस साइड भी है यहाँ से हम मरून से बनाना शुरू करते हैं ये इसमें हम क्रूसिया ना अपना चेंज कर रहे हैं क्रूसिया का नंबर ये है फाइव ये थोड़ी मोटी मोटी फंदे निकलते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं और नहीं तो इससे थोड़ा सा आप लोग ऊन थोड़ा सा मोटा ले सकते हैं मोटा उतना अच्छा भी नहीं लगता ये सही है इसके लिए परफेक्ट है ये ऐसे एक दो बार चैन में बांध लेंगे तो निकलता नहीं है दो एक तीन हमने थे चैन ले लिया डबल क्रूसिया किए हैं दो हो गए हमारे फंदे तीन ये चार एक चैन हम एक एक चैन लिए हैं फिर डबल क्रूसिया करके अब दूसरे वाले में बहुत इजी है बहुत आसान है मगर ये बहुत प्यारा भी लगता है फिर हम दूसरे वाले में बना रहे हैं देखिए दो हमने बना लिया तीन चार ऐसे ही पूरा लाइन कंप्लीट करना है लास्ट तक हम बुनाई करके आपको दिखा रहे हैं देखिए एक लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया है ए लास्ट हो गया यहाँ पे लास्ट में अब क्या करना है आप लोगों को देखिए ध्यान से एक दो तीन तीन चैन हमने टाइट टाइट लिया डबल क्रोशिया इसके ऊपर नहीं बनाएंगे अब अब देखिए ये जो खाना बाकी है यहाँ पे गैप जो थी यहाँ से फ्लावर के बीच में यहाँ पे हम बनाए हैं अब डबल कर्सिया लेके तीन फंदे बन गए हमारे डबल क्रोशिया से ये चार फंदे अभी एक चैन लिए फिर दूसरे वाले में हम बना रहे हैं आराम से कुछ ना तो ज़्यादा देखिए लूज बना रही हूँ ना तो ज़्यादा ढीला बना रही हूँ एकदम मीडियम सॉरी लूज और ढीला हम वही बोल रहे थे दोनों एक ही होता है ना लूज ज़्यादा बना रहे हैं ना ज़्यादा टाइट हम मीडियम से फंदा ले लेके एकदम फ्री हाथ से इसे बना रहे हैं अब इसलिए हमने यहाँ पे चैन लिया है देखिए यहाँ पे अगली बार हम बनाते हुए जब यहाँ पे आएंगे यहाँ से फिर इसमें हम जो चैन लिए हैं इसमें हम फ्लावर बनाएंगे देखिए ऐसे ही हम इसमें बनाए हैं देखिए इसमें हम चैन ले लेते हैं फिर जब इधर से आएंगे इसमें बनाएंगे फिर वापसी होंगे तो फिर चैन लेंगे एक लाइन में हम कितने बनाएंगे एक कलर डाल रहे हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच लाइन हम ऐसे ही बनाएंगे अभी यहाँ पे हम बुनाई करते हुए चले आएंगे फिर एक, एक फ्लावर हम छोड़ देंगे ये इस लूप में नहीं बनाएंगे देखिए जैसे हमने यहाँ हाँ यहाँ तक बनाएंगे एक फ्लावर मेरा छूटेगा लास्ट तक इसमें भी हमने बनाया है देखिए एक यहाँ लास्ट हुआ फिर इसमें एक एक करके कम होते होते ये चले गए हैं अभी हम बना के आपको दिखा भी रहे हैं लाइन कंप्लीट करके यहाँ तक बुनाई करके दिखा रहे हैं हमने दूसरा लाइन भी बना के कंप्लीट किया है यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया एक फ्लावर हमारा ये स्किप हुआ यहीं तक हमने बनाया अब देखिए हम इसे वो फिर इस साइड कर ले रहे हैं उल्टा कर ले रहे हैं अब यहाँ पे हम एक चैन ले लेंगे फिर हर फंदा में इसे एक एक चैन करके देखिए यहाँ चैन लिए फिर इस फंदे में से निकाल लिए सिंगल क्रोशिया अब एक चैन और ले ले रहे हैं इसमें हम ऐसे करके निकाल लेंगे इस साइड हमारा निकल गया एक हमारे अब ये भी स्किप होगा अगली बार दो तीन तीन हमने चैन लेके यहाँ पे हम फ्लावर बना लिए हैं बहुत ऐसे तोरण हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं कि एक एक करके हम उसको हाफ गेट का हमारे पास चैनल पर तोरण ज्यादा ज़्यादातर डाले हुए हैं अगर जो बहनें अभी नहीं देखी हैं वो देख लेंगी और जो बहनें हमें अगर ये देख के बनाती हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बबली पांडे क्राफ्ट एंड क्रिएशन से इंस्टाग्राम है हम उस पर फॉलो करिए अब कोई भी चीज़ आप लोग जैसे बनाते हो देख के हमारा बनाओगे तो हम अपने यूट्यूब के स्टोरी पे और इंस्टाग्राम के स्टोरी पे डालेंगे देखिए हमने यहाँ पे ये बना लिया यहाँ से अब बनाते हुए अब यहाँ तक लास्ट तक जाएंगे फिर ये जो हमने तीन चैन लिया था फिर एक यहाँ से बनाते हुए जाएंगे इस इसमें हम फ्लावर बनाएंगे इसमें और बनाने के बाद वापस होंगे तो एक दो अभी तीन लाइन और ऐसी बनानी है क्योंकि हमें जैसे हमने ये पाँच लाइन बनाई है वैसे ही है, हमें इसमें भी पैटर्न देना है पांच लाइन अभी हम मैं बना के कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ हमने पांच लाइन बना लिया वन टू थ्री फोर फाइव पांच लाइन हमारा बन गया ये लास्ट हुआ है यहाँ पे हम एक और चैन लेके इसे हम उनको तोड़ देंगे ऐसे निकाल के यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे तो ये बन जाएगी अब देखिए हम इसे उल्टा कर लेंगे अब यहाँ पे हम पांच लाइन व्हाइट बनाएंगे अब वाइट कलर लगा लेंगे यहाँ पे यहीं से जहां पर हमारा लास्ट हमने फंदे बनाए थे उसी में ले आके हम यहाँ पे इसे एक बार और ऐसे करके हम यहाँ पे बांध देंगे फिर एक बार इधर भी निकाल के बांध देंगे एक बार और कर दे रहे हैं देखिए हमने एक बार और कर दे रहे हैं एकदम पूरा बंध जाएगा हम यहाँ पे तीन चैन ले लिए हैं डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे हम चैन ही लेके, वापसी जब होते हैं तो तीन हमने पहले ही बताया था तीन चैन लेके, फिर डबल क्रोशिया करके यहाँ पे हम फ्लावर बना लेंगे एक दो तीन चार बिल्कुल टाइट नहीं बना रहे हैं और बहुत ढीला भी नहीं बना रहे हैं एक चैन ले लेंगे पाँच नंबर की कुरुसियाँ है थोड़ा सा ढीला ढीला निकलता ही है इसमें से ए यहाँ पे आपको देखना होगा जो एक चैन हम लेते हैं ज़्यादा यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा पकड़ लेंगे तब तो ये फ्री होके नहीं निकलेगा फंदे ऐसे पकड़ा हुआ रहेगा तो ये यहाँ पे जो ये छोटे छोटे गैप बनते हैं बहुत आसानी से बन जाएंगे अब देखिए इसमें हम फिर बना रहे हैं कितने फंदे हम चार फंदे का यहाँ पे फ्लावर बना रहे हैं देखिए अब हम चैन ले लिए एक फंदा बना चैन लेने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे करके डबल क्रोशिया करेंगे फिर ये ऐसे करके ऐसे दोनों पकड़ लें जिससे ये खूब बड़ा के खींचे ना चैन फिर उसके बाद ऐसे बुनाई आराम से करते हैं आप लोग चले जाना व्हाइट का भी पांच लाइन आपको बनाना होगा इस साइड देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं कितना बढ़िया से एक एक कम होते चला गया है देखिए एक दो तीन चार पाँचवें लाइन पाँच, पाँच प, ये हमारे चार पाँच फ्लावर कम हो गए हैं अब फिर हम यहाँ बनाएंगे एक हमारा ये छूट जाएगा ऐसे छूटते लास्ट तक जैसे हमने इसमें बनाया था ऐसे छूटते छूटते एकदम लास्ट तक यहाँ तक आ जाएंगे अभी हम ये जो व्हाइट की लाइन है हम पाँच लाइन बना के फिर आपको हम दिखाएंगे देखिए हमने पाँच लाइन बना लिया व्हाइट से भी वन टू थ्री फोर फाइव पाँच हमारा ये लाइन बन के कम्प्लीट हो गया एक लाइन हम पूरा आपको बुनाई करके अभी हम दिखा रहे हैं आपको आप लोग देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा अब हम यहीं ये व्हाइट वाला तोड़े हुए हैं उनको काट दिए हैं अब यहीं से हम दूसरा वाला लगाएंगे इसको भी एक दो बार इधर उधर कर देंगे जिससे निकले ना फिर एक दो यहां पे हम तीन चैन नहीं लेंगे देखिए एक हमने ले लिया इसी के साथ हर फंदे में हम इसे सिंगल क्रोशिया बुनाई कर लेंगे फिर इसको भी साथ में हम बुन लेंगे जो धागा हमारा ऊन का निकला है अंदर हो जाएगा दूसरे वाले फंदे में बुनाई कर लिए हैं एक और चैन लेके अब इसमें भी कर लेंगे ये हमारा यहाँ पे हमने लगा लिया एक और यहाँ पे सिंगल कुर्सिया इसके बीचों बीच हम यहाँ पे कर लिए देखिए ये भी हमारा अब इस बार से घट जाएगा अब यहाँ पे हम एक चैन दो तीन चैन ले लिए हैं अब पांच लाइन हम इसका भी महरून का भी बनाएंगे पैटर्न में देखिए यहाँ पे हमने बना लिया चार ये पंदे का फ्लावर एक चैन लेंगे दूसरे वाले में डाल के बना लिए हैं देखिए हमने दो बना लिया है अब यहाँ से यहाँ तक मैं बना ले रही हूँ फिर इसके आगे मैं बना के स्कूनी पे आप लोगों को दिखाऊंगी ये यह हमने यहाँ से पूरा लाइन एक लाइन बना लिया है एक और ए वाला लास्ट वाला बाकी रह गया है क्योंकि यहाँ से ही टर्न होना होता है यहाँ पे ही जाना होता है ना बहुत बहने को है समझ में नहीं आती हैं वो चीज़ हमने कहा एक बार अच्छे से हम बना के पूरा दिखाएँ और वैसे हम तो पूरा दिखा देते मगर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है जो बहने को नहीं समझ में आया होगा देखिए हमने एक चैन लेके के यहाँ पे फंदे बनाना शुरू कर दिए हैं दो हो गया था एक तीन एक चार एक चैन हमने लिया डबल क्रूसिया किया जो हमने देखिए यहाँ पे हमारा ये लूप बना हुआ था इसमें से हम इतना बड़ा फंदे लेके बना रहे हैं देखिए है। अगर बुनाई कर रहे हो ऐसे पकड़े जाओगे तो पकड़े हर बार ऐसे जिसे हाथ हम हमारा तो बैठा हुआ है हर बार यहीं पे हाथ आके रुक जाता है इससे क्या होता है सारे फंदे इक्वल एकदम बराबर आते हैं अब इसको हम उल्टा कर लेंगे पलट लिए अब देखिए एक चैन दो तीन टाइट से चैन लिए डबल क्रोशिया किए फ्लावर के ऊपर कुछ नहीं बनाना है ये जो लूप है बगल का इसको यहाँ पे एक फंदे बना लिए दो ये तीन ये चौथा हमारा फंदे बन रहे हैं एक फ्लावर मैंने बगल में बना लिया ये भी एक चैन ले लिए अब इसके आगे हम ऐसे ही बनाते चले जाएंगे इससे उधर एक हमारा घट गया था इस साइड अच्छे से हमारा बैठ भी जाता है देखिए अब ये है अगली बार हम वापस आएंगे तो इसमें बनाएंगे इससे क्या होता है देखिए बिल्कुल ही आगे पीछे नहीं होता है अच्छे से हमारा ये बैठते पूरे लाइन एकदम लास्ट तक कंप्लीट चली जाती है आप लोग पांच पांच अगर लाइन जैसे हमने यहाँ पे पांच बनाए ये मरून पांच बनाए वाइट पांच बनाए ऐसे करके हम यहाँ पे देखिए इस साइड वाले में पांच हमने ये बनाया फिर पांच ये फिर पांच ए मरून फिर पांच वाइर फिर पांच मरून फिर एक दो तीन चार पाँच छ छः लाइन हमने वाइट नीचे बनाया अब यहाँ पे देखिए हमने कितना बनाया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह लाइन ग्यारह लाइन बनाए क्योंकि छोटा छोटा हो जा रहा है मैंने कहा कि इतना लास्ट में मरून आ जाएगा देखने में भी अच्छा लगता है छः लाइन हमने यहाँ पर इसके मरून के ऊपर वाला में हमने छः लाइन ये बनाया है ऐसे ही बनाएंगे हम इस इस साइड हम ऐसे ही बनाते चले जाएंगे आप लोग अगर पैटर्न डालना चाहते हो पांच पांच का बनाते जाना लास्ट तक पांच पांच का बनाते जाना एक आएगा लास्ट में एक बचेगा उसको भी जो लास्ट कलर का आप लोगों का चाहे महरून आए चाहे व्हाइट आए लास्ट का ए, एक और एक्स्ट्रा बना लेना पांच का पैटर्न बहुत अच्छे से आएगा अभी मैं लास्ट तक बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ ये ये हमारा बन के पूरा एकदम रेडी हो गया है हाफ गेट तोरण मरून और व्हाइट का अब इसमें जैसे हमने इस साइड में चैन लगाए हुए हैं देखिए आठ आठ चैन बना के हम एक इसको छोड़ के दूसरे में हम ज्वाइंट किए हैं चलिए हम बनाना इसको हम बताते हैं हम यहां से शुरू उस इस साइड का यहाँ से शुरुआत किए थे अब यहीं से हम इस साइड का भी शुरुआत कर लेंगे इसको एक साइड इसे करके बांध लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ कर लिए हैं एक छोड़ के दूसरे वाले में हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे सिंगल क्रूसिया से फिर एक दो तीन चार सात आठ अब एक इसको स्किप करके दूसरे वाले में यहीं कोने पे ज्वाइन कर लेंगे ऐसे ही हम बनाते पूरे वहाँ तक लास्ट तक चले जाएंगे हमने बना के ये चैन कंप्लीट कर लिया है अब जल्दी इसका लगाना शुरू करेंगे चलिए जल्दी बनाना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे मरून हम डाले हुए हैं तो अब व्हाइट झलरी लगाएंगे चार अंगुल ऐसे कर लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस हमने ले लिया है आप लोग अगर और बड़ी झलरी बनाना चाहते हो थोड़ी सी चौड़ी अपना ये ऐसे करके कर लेना अगर इतना बनाना चाहते हो तो इतना ठीक ही है अगर इससे भी मोटा बनाना चाहते हो तो इससे मोटा आप लोग बना सकते हो यहाँ पे हम ले आके हम अपने हर गेट के तोरण में हाफ गेट हो या तो छोटा वाला तोरण हो थोड़ा छोटा ही रहे सब में हम जलरिया लगाते हैं आप लोग भी लगाया करो बेगर जलरी के अच्छा नहीं लगता है फिर ऐसे ऐसे करके एक तीन चार ज़्यादा से ज़्यादा बांध दोगे चार पाँच बार तो ये छूटती नहीं है ऐसे करके एक हो गया फिर ये दो अब ये कई चीज़ें हम काट देंगे आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ऐसे भी रख सकते हो और नहीं तो काट भी सकते हो अभी हम पूरा करके एक मरून एक वाइट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं हमने छलरिया लगा के तैयार कर लिया है आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताना अगर ये भी तोरन हाफ गेट का पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर पे शेयर करना मिलती हुई एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते